स्वागत है आप सबका एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, और खास स्वागत दो बड़े मेहमानों का, सिद्धार्थ सेरानी साहब, आस्था जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी चुनना चाहूंगा, और वो कंपनी होगी कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, जिसका टारगेट आपको रखना है 1346 का, 1346 का, मई 2018। काफी समय से फंडामेंटली विद अ डिस्क्लेमर हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को। ईपीसी प्लेयर है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका दमखम है। वैल्यूएशन की बात करो 21x प्राइस टू अर्निंग्स पे, जो काफी रीजनेबल है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आरओई करीबन 12%। FY25 में अभी तक के जो ऑर्डर बुक आए हैं 11,800 करोड़ आए हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए। टोटल ऑर्डर बुक 60,000 करोड़ के करीब है, जो 2.5x के रेवेन्यू को सर्व करता है, मतलब 2.5 साल के। सेकेंड हाफ का रेवेन्यू काफी बेहतर रह सकता है फर्स्ट हाफ के मुकाबले। बिजनेस की विजिबिलिटी रिन्यूएबल और नए टीएनडी बिजनेसेस में काफी अच्छी दिख रही है। सिविल सर्विसेज यानी वाटर एंड अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काफी प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को। FY25 यानी रिमेनिंग ऑफ द साल में 22,000 से 23,000 करोड़ के ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द ईपीसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इस पे खरीदारी की राय है 1346 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए 1346 का टारगेट, खरीदारी करें आप कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में। सिद्धार्थ जी आप तो राउंड फिगर में देते थे टारगेट, आज एकदम ऐसे वैसे क्यों? नहीं अनिल जी, वो तो कभी कभार एक आध एसपीएल मिड कैप में ऐसा संजोग बन गया कि तीनों स्टॉक के राउंड टोटल टारगेट हो गए, वो आपको याद रह गया। अच्छा, तो मेरे टारगेट अनिल जी राउंड टोटल बहुत कम आते हैं। ओह वेरी प्रिसाइज, बहुत बढ़िया। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स 1346 के टारगेट के लिए करें खरीदारी लॉन्ग टर्म के तौर पर। आइए सिद्धार्थ जी बताइए कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, उसके बाद क्या पसंद आ रहा है आपको? उसके बाद सीधा चलेंगे ऑटो एंसिलरी पे, और वो है एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी। ऑटो एंसिलरी पे खरीदारी के रहा है एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी, टारगेट आपको रखना है 2600 रुपए का, मई 2021 से, विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी को। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, साथ ही साथ अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो अलॉय व्हील्स हम जो देखते हैं उसमें काफी बड़ा योगदान एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी का होता है, जो अलॉय व्हील्स गाड़ियों में लगता है। सस्पेंशन ब्रेकिंग सिस्टम्स में भी इनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है। 40% का मार्केट शेयर है फ्रंट फोक्स में, 37% का मार्केट शेयर है शॉक अब्सॉर्बर में एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का। हीरो, टीवीएस, होंडा, रॉयल एनफील्ड, टाटा मोटर, वहां की क्लाइंट लिस्ट है, सारे ओईएम मोस्टली है। मुनाफा 31% देखा गया Q2 में, और टू व्हीलर के जो वॉल्यूम्स उम्मीद कर रहे हैं 10% रह सकते हैं आने वाले समय में, और मुनाफा 20% के सीए जैसे ग्रो हो सकता है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, इस पे खरीदारी की राय है टारगेट 2600। एंड्योरेंस टेक पोजिशनल पिक आती हुई सिडानी साहब की तरफ से, बताएं सर शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगा केन्स टेक्नोलॉजी, टारगेट रहेगा 6500 रुपए का, अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी। ईएमएस इंडस्ट्री में है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है पीसीबी, रेलवेज का काफी अच्छा ऑर्डर आ सकता है। आरओई 15% और एबिटा 68% से बटे दिखा है, 5400 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है केन्स टेक्नोलॉजी ईएमएस इंडस्ट्री की कंपनी 6500 के टारगेट के लिए। और मुबारकबाद अनिल जी सुजलॉन का ये इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हम भी कवर करते हैं 82 के टारगेट से। की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में है ये बिल्कुल, और देखिए व्हाट अ टाइमिंग। आइए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, यहीं पर बढ़िया तेजी। आइए विदा लेने का वक्त है, हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात, मुझे और नेहा को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए सब एक साथ कहेंगे जय हिंद। Investments in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.